सो अज पटियाला जेल के बंद भाई बलवंत सिंह राजवाना उन्होंने भुख हड़ताल खत्म की है तो उन्होंने भैन बीबी कमलदीप कौर होनी मेरे नाल ने सो गलबात करदे आ सिंह साहिबान मिले सके अंदर तो ये भी नाल गए थे सब तो पहले तो की कुछ भाई साहब ने कहा सीगा रोष काफ़ी सीगा मन दे विच उन्होंने दिल दे विच काफ़ी रोष सीगा समा काफ़ी हो गया देखो ही कहांगी कि बहुत ही भावनात्मक मुलाकात सी क्योंकि श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार जी भी आए सी ते केसगढ़ साहब के जथेदार भी सी श्रोमणी कमेटी प्रधान भी सी तो ये वीर जी राजवाना जी ने अपना उही पक्ष रखिया कि किस तरह इस तो पहला उन्होंने भरोसे दिते गए लिखती वादे किए गए भुख हड़ताल तड़वाई गई सी पर इस बार उन्होंने श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार जी ने यह बेनती की कि एक सिख का जिहड़ा भरोसा हुंदा गा वह श्री अकाल तख्त साहब जी ते हमेशा रहा गा तो यह भरोसा एक सिख का हमेशा बनया रहे जिस तरह अज जूस पी के है ना जूस पिया के अब भुख हड़ताल खत्म की गई पहला भी इस तरह हो चुके कई बार है ना भुख हड़ताल खत्म कराई गई ने हर बार विश्वास टूटता सीगा लगता है कि इस बार मतलब कि होएगा फैसला यही चीज़ वीर जी राजवाना जी ने कही है सिंह साहब जी को कि इस बार जिहड़ा श्री अकाल तख्त साहब जी तो कमेटी बनी है क्योंकि जदों असी कोई चीज़ कमेटी बनाने या कोई वादा करते हैं भरोसा दें जदों वादे या भरोसे पूरे नहीं होंगे तो मतलब कि एक भरोसा टुट जाता गा उन्होंने कहा कि भरोसा तो बनता गा कौमां दा भी भरोसा लोगों का भी भरोसा जेकर भरोसा पूरा किया जाए तो वादे पूरे किए जा जिस तरह पिछली चिट्ठी के भी वीर जी उन्होंने कहा कि रोष जताया श्रोमणी अकाली दल से है ना एच जी पी सी के उपर कि रोष दूर होया अज हरजिंदर सिंह धामी आए थे नहीं वीर जी राजवाना जी ने जिहड़ियां भी गल्लां कहियां प्रधान जी ने यही कहा कि असीं उन्हां दे नाल सहमत हाँ क्योंकि 12 साल हो गए उस अपील ते फैसला नहीं होया हैगा तो हुण उम्मीद करदे हां कि हुण श्री अकाल तख्त साहब जी दे आदेश दे नाल सारा कुछ हो रहा गा ते केंद्र सरकार नूं भी 31 दसंबर तक दा समां श्री अकाल तख्त साहब जी तो दिता गया गा कि वह फैसला करन उम्मीद करदे हां कि केंद्र सरकार सिखां दे नाल जिहड़ी इह बेइंसाफी आ उन्हों बंद करेगी तो इंसाफ करेगी भाई साहब ने कुछ कहा जिस तरह भुख हड़ताल अज खत्म हुई है कुछ समा दिता भाई साहब ने कुछ अपने वालों भी हाँ जी बिल्कुल अज उन्होंने सिंह साहब के नाल ही जी उन्होंने मुलाकात से उन्होंने जिन्या भी गल्ला रखिया कौमी भावनावान भरिया हुई गल् जिस तरह कमेटी बनी है 5 मैंबरी है ना जिस थोड़ा नाम भी है काफ़ी सवाल खड़े हो रहे थे कमेटी के उपर भी वीरसा सिंह वडवाल की गल कर लिए कालका जी सवाल खड़े कर रहे थे भी राजनीतिक बंदे क्यों दाखिल किए गए हैं इस देखो मैं लगता कि सारे मामले सुलझ गए हैं कमेटी जी मेरी कालका जी नाल भी प्रधान जी गल हुई सी तो सारे सहमत ने तो वह वीर जी राजवाना जी लई जी बेइंसाफी आ इहदे नाल सारे जने इस श्री अकाल तख्त साहब जी के आदेश मन के जो श्री अकाल तख्त साहब जी ने कहा गा उते पूरा करनगे सी बिल्कुल ये सन बीबी कमलदीप कौर होनी जिन्होंने दस्या है कि अज भुख हड़ताल खत्म हो चुकी है भाई बलवंत सिंह राजवाना दी क्योंकि सिंह साहिबान पहुंचे थे अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह तख्त श्री केसगढ़ साहब के जथेदार ज्ञानी सुल्तान सिंह हरजिंदर सिंह धामी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान तो वह पहुंचे थे तो उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हुण जो फैसला है वह अखीरला फैसला होगा जो फैसला उस पटीशन के उपर जो पटीशन दायर की गई उस उपर 20 तरीक न राष्ट्रपति दे नाल मुलाकात की जानी है तो जेकर उस दे वलो उस पटीशन दे उपर जिहड़ा राष्ट्रपति वलो कोई फैसला नहीं लिता जांदा तो अगली रणनीति जिहड़ी है वह दायर की जाएगी वह जिहड़ी बनाई जाएगी उसके उपर जिहड़ा हुण कह सकते हैं कि अज भुख हड़ताल जिहड़ी फिलहाल की घड़ी जिहड़ी है खत्म हो चुकी है 31 दसंबर तक का समा जिहड़ा अज दिता गया कैमरा पर्सन मनोज नाल कवलजीत कंबोज जगबानी टीवी पटियाला